वकला की बारी बरकम फीसों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सबर का पैमाना लबरेज हो गया। 34 अरब के स्कैंडल के मरकजी मुलजिम EOBI के साबिक चेयरमैन जफर इकबाल गोंदल ने 5 करोड़ रुपए की रकम फीसों की मद में वकला को सरकारी खजाने से अदा की, जिस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को मामले का नोटिस लेने की अपील की गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अनवर जहीर जम्बाली ने मामले का सो मोटो नोटिस लेते हुए नामवर वकला एतजाज एहसन, आसमा जहांगीर और बाबर सत्तार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। TIP के मुताबिक बाबर सत्तार ने 1,79,00,000, एतजाज एहसन ने 75,00,000 और आसमा जहांगीर ने 27,00,000 रुपए फीसों की मद में सरकारी खजाने से वसूल किए। सवाल ये है, आम आदमी की तरह पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के नोटिस के बावजूद क्या इन नामवर वकला के खिलाफ कानून हरकत में आ सकेगा? और सरकारी खजाने से फीसों की मद में वसूल की जाने वाली करोड़ों रुपए की रकम खजाने में वापस आ सकेगी?